नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस फैक्ट चैनल पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो बेसिकली पियागो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर बना है, जो कि एक अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और ये कंपनी इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएंगे, और इसके साथ साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में पिछले कुछ सालों में बहुत ही उछाल देखा गया है। एथर एनर्जी का सक्सेस ने बजाज, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प और यहां तक कि सुजुकी जैसे बड़े खिलाड़ियों को ईवी बिजनेस में उतरने के लिए मजबूर किया है। और अब भारत की मार्केट को टारगेट करके इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाल के रेस में हिस्सा लेने आ रहा है पियागो। दोस्तों, ये अपने ही ब्रांड भाजपा के अंडर में होने की उम्मीद है। आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को इटली में डिजाइन किया जाएगा, लेकिन भारत में उसको बनाया जाएगा। आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार के लिए स्पेसिफिक होगा। इसके भाजपा प्लेटफॉर्म की सेम स्कूटर ले आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया इलेक्ट्रिका ऑटो एक्सपो 2020 में पीला एक्सेसर 160 को दिखाने के साथ इसके मेन ब्रांड पियागो ने खुलासा किया है कि ये भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में आने की सोच बना रहे हैं। आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर को भाजपा ब्रांड के साथ होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, और इसे खास करके भारतीय बाजार के लिए निकाला जाएगा। इसे इटली में डिजाइन किया जाएगा, लेकिन ठीक से एक जैसा नहीं दिखेगा। दोस्तों, स्कूटर की कॉस्ट ठीक ठाक रखने के लिए इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। कॉस्ट को कम करने के लिए ये मौजूदा भाजपा प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। इसमें पार्ट शेयरिंग, स्पेशली बॉडी वर्क, स्विच गियर और अंडरपिनिंग्स जैसे कंपोनेंट्स को शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें भाजपा रेंज के साथ ट्रेलिंग लिंक फ्रंट फोर्क, सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर, डीसीआर ड्रम ब्रेक्स अप फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक मिलने की चांसेस है। हालांकि इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी को पियागो से ही बनाया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अपने इलेक्ट्रिका के साथ किया था। अगर पियागो रिमूवेबल बैटरी के साथ पेशकश करता है, क्योंकि ये चार्ज लेते समय डाउन टाइम को कम करता है, इसके लिए ये सबसे ज्यादा आसान तरीका हो सकता है। पियागो से लगभग 1.5 या 2 साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की उम्मीद कर सकते हैं, और ये कंफर्म करेगा कि पियागो का बढ़ते इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट को एक अच्छा बेस हो। जो अभी हाल ही में लॉन्च किए गए TVS iQube इलेक्ट्रिक, एथर 450X और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक से पॉपुलर हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज की इस वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए गाइडेंस फैक्ट चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब पर प्रेस कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।